फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पहले तो आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जी, आज का बहुत स्पेशल व्लॉग है। बच्चों की ईद की जो शॉपिंग मैंने की है, ईद के कपड़े हैं मेरे पास, उसका फटाफट से व्लॉग एक बना लें, फिर इंशाल्लाह कल पहन कर भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए जी, सबसे छोटे पीस से स्टार्ट करते हैं। ज़ारा का ड्रेस, जो फर्स्ट डे का ज़ारा का ड्रेस है, उसमें ज़ारा का एक बहुत ही प्यारा फ्रॉक है। देखें, मेटल बटन्स के साथ डिटेलिंग में है, और साथ में ज़ारा के इसके साथ हैं बहुत ही खूबसूरत गोल्ड कलर के शूज़, और एक ये बहुत ही क्यूट सा दुपट्टा, और ये है जी इसके साथ का शरारा। ये होममेड है, ये खुद से डिज़ाइन करवाया है और स्टिच किया है। ये है जी ज़ारा का, सेम एज इट इज़ फातिमा का भी है इस तरह से। देखिए, ये इसकी फाइनल लुक है। और ये देखिए, ये मैंने इस पर गोटी वर्क जो है इसकी पुप्पो से उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो टॉप जो है इसका वो वाइट में है, और नीचे इसकी जो बनाई है उन्होंने घघरी, क्या बोलते हैं इसको, चोनों वाली, वो मल्टी कलर में है। साथ इधर भी देखिए डिटेलिंग में गोटी लगाई हुई है, और बच्चे को चुभे नहीं तो डबल पेटी का इस्तेमाल किया हो गया है, बिल्कुल सॉफ्ट है ताकि बच्चा इरीटेट ना हो ईद पर। और इसी तरह से ये देखें, ये बनाया है, इसमें भी डिटेलिंग दी है, बहुत ही सॉफ्ट लॉन का कपड़ा है। तो ये है जी ज़ारू का ड्रेस, और ज़ारू आके खुद दिखा दिया। अच्छा, सेम एज इट दोनों का मैंने सेम बनाया है, और इसके साथ मैचिंग मैं आपको दिखाती हूँ। ज़ारा की मैंने मेटल में ली है, क्योंकि ज़ारा जो है ना टीथ में ले लेती है, मुँह में लेती है बैंगल्स को, तो ये एक दो दफ़ा तोड़ दी थी इसने कांच की। तो ये ज़ारा की ली है, और मानो की जो है ये मल्टी शेड में मैंने ले ली है कांच की, वो पहन लेती है। ज़ारा की ब्लैक भी ली है मैंने दूसरे दिन की ईद के ड्रेस के साथ, मानो ब्रेसलेट ज़्यादा यूज़ करती है। और जी ये हेयर बैंड इनके लिए हैं, ये है जी ज़ारा का हेयर बैंड, और सेम ये फातिमा का, इसका फातिमा का। चलें जी, अभी इन दोनों का हो गया, फातिमा का सेम है, बस फातिमा के शूज़ जो है उसने अपने दुपट्टे के साथ मैच करके, तो ये बारबी वाले लिए। चलिए जी, अब आरिफ की मैं आपको दिखाती हूँ। ये आरिफ का अजीब पजामा, बिल्कुल फिटिंग में पहनता है, शलवार बिल्कुल नहीं पहनता, तो उसकी दादू ने ये स्टिच किया है, और बिल्कुल स्ट्रेट जो पैंट पजामा होता है वो है। और ये माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा आरिफ का कुर्ता है, इसमें एम्ब्रॉयडरी करवाई है, इसके ऊपर एयर एम्ब्रॉयडरी करवाई है। ये देखिए ब्लैक कलर में है, और इसके साथ ये जो उस दिन आपको मैंने दिखाए थे, ये इसकी फर्स्ट डे की मैं आपको दिखा रही हूँ। ये इसके साथ सैंडल्स मैच किए हैं, इसके सेंटर पॉइंट से यूज़ भी नहीं है, बहुत ही खूबसूरत इजी है, मैंने कहा ये आगे भी गर्मियों में काम आ जाएंगे। तो ये आरिफ का फर्स्ट डे का है, और मैं अब आरिफ का सेकंड डे का दिखाती हूँ। सेकंड डे का आरिफ के शॉर्ट्स लिए हैं, ये मैं ऑनलाइन ऑर्डर किए थे जो आपको बताया था नेक्स्ट से फेयर में, और ये शर्ट भी आरिफ की नेक्स्ट से ऑर्डर की है। ये सेकेंड डे या रात में कहीं जाएंगे तो ये तब पहनेंगे। और आरिफ की थर्ड डे क्या, ये जीन्स है, और इसके साथ एक बहुत ही खूबसूरत सिटी मैक्स की शर्ट ली है। ये आरिफ की तीनों दिन की ड्रेस है, ठीक है। अब ज़ारू के लिए मदर केयर की शर्ट ली है मैंने एक, ये ज़ारू का सेकेंड डे का ड्रेस है, इसके साथ एल्सा वाले शूट ज़ारू के जाएंगे। और ये एक मैंने इसके साथ जीन्स ली है ज़ारू की। थर्ड डे का ड्रेस ज़ारू को अपना बहुत पसंद है, ये ज़ारू की फ्रॉक है डिज्नी की। अच्छा लगा आपको ये ज़ारू को, ये वाला ड्रेस अपना सबसे अच्छा लगा? ये ऐसे भी हो, ऐसे भी हो जाता है। और चैलेंज ज़ारू को भी हो गए तीन दिन के, और आरिफ के भी हो गए। अब ये मानू का जो मैंने आपको बताया था फातिमा का, सेम ज़ारा की तरह इसकी, बस मैंने फुल स्लीव तो उगाए हैं, क्योंकि अब फातिमा बड़ी हो रही है, तो बस एक चेंज है कि इसके फुल स्लीव्स हैं, बाकी सेम वही डिज़ाइन है, वही दुपट्टे का कलर है इसका। इसी सेकंड डे के दोनों के सेम हेयर बैंड लिए हैं, और ये जो फातिमा ने एक अपना ब्लश ऑन लिया था, और इनकी पोनीज भी ली हैं जो कि हाई पोनी वेयर करेंगी सेकेंड डे थर्ड डे। मल्टी कलर से मैंने ले ली थी रैंडमली, ताकि गर्मी है तो बच्चे पहन। ये इनकी पोनीज आ गई हैं,
चले जी। और मेरा ड्रेस की बारी आ गई है। ये मैंने खादी से भी पाकिस्तान गए थे तो तब लिया था। ये इसका बहुत ही काली नेट के बहुत ही खूबसूरत लेस लगी हुई है, दुपट्टा है। और ये इसका कुर्ता का स्टाइल है, बहुत ही खूबसूरत। ये हस्बैंड ने मेरे पसंद किया था, उनका मैं लाइट कलर ज़्यादा लेती नहीं हूँ तो ये उन्होंने लिया था। इसके स्लीव्स पे भी कुछ डिटेलिंग है, ये देखें बहुत ही खूबसूरत स्काई ब्लू कलर में। देखें इसके ये चॉक्स में भी इस तरह से डिज़ाइन दिया हुआ है, ये देखें इस तरह से। और प्लेन इसके साथ ट्राउजर है। चलिए ये ड्रेस के साथ मैंने ये बहुत ही खूबसूरत से इयररिंग्स, कल मैं लुलू गई थी तो मुझे नज़र आए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी मैं बहुत कम इस्तेमाल करती हूँ तो ये ले लिए हैं मैंने इसके साथ, ड्रेस के साथ बहुत ही खूबसूरत फुटवेयर भी है मेरा, खादी से ही मैंने लिया था। ज़्यादातर मैं इस्तेमाल में लाती हूँ कुर्से वगैरह, तो ये खादी से मैंने लिया था। ये बहुत ही एलिगेंट सा है, डिसेंट सा। और दो ड्रेसेस एक्चुअली मैंने सेलेक्ट किए हुए थे और ये एक और ड्रेस है, इसके साथ भी यही मेरा फुटवेयर बहुत अच्छा जाएगा। ये भी खादी से मैंने लिया था। और इसकी ये दुपट्टा है लॉन में, ये थोड़ा सा फॉर्मल है और ये बिल्कुल कैजुअल सा है। ये देखें टसल हैंगिंग दुपट्टे में, लॉन बहुत ही सॉफ्ट। ये इसका दुपट्टा है, कैजुअल वेयर में खाड़ी में आए हुए हैं टू पीस। चलें जी ये दूसरा कैजुअल वेयर है, प्लेन ये शर्ट पे ओपन शर्ट है, साथ में थोड़ा सा नीचे इन्होंने एज पे कट दिया हुआ है। ये रेडीमेड ही लिया था क्योंकि अभी हम लास्ट विजिट गए थे तो बहुत शॉर्ट टाइम था तो मैंने ले लिए हैं रेडीमेड ही। इसके साथ प्लेन ट्राउज़र है, ये देखें बिल्कुल सिंपल सा दुपट्टा इसके साथ उन्होंने मैच करके दे दिया था। ये इसके साथ दुपट्टा है, इयररिंग्स भी मैंने इसके साथ मैच किए हैं, ये बहुत ही एलिगेंट से इयररिंग्स है। और ये इसके साथ मैंने ऐसे ही ले लिए हैं, ये देखें बहुत ही खूबसूरत है। ये मैंने गुल अहमद ख़ास से लिया था। और इसकी ये देखिए इसका मुझे ना ये जो बाजू है स्टाइल बहुत अच्छा लगा था इसमें, ये देखिए इन्होंने किस तरह से खूबसूरत से डिज़ाइन दिया हुआ है, लेस लगाई हुई है, साथ में इन्होंने थोड़ा सा टिश्यू ऐड किया हुआ है। और ये हैंगिंग लाइट्स हैं बहुत ही खूबसूरत। जी बेटा अच्छा दीदी ये देखें, अब मैं इधर सारा सामान खोल के बैठी हुई हूँ और ये लोग जो है ना तंग कर रहे हैं। अच्छा ये इसके साथ मैंने प्लेन मेरा एक ट्राउज़र था लॉन में, ये मैंने प्लेन ट्राउज़र ब्लैक और ब्लैक ही प्लेन दुपट्टा शटल लेस के साथ मेरे पास एक पड़ा हुआ था तो वो इसके साथ होगा। तो ये जी मेरे हो गया ईद का ड्रेस। और फातिमा का जो सेकेंड डे का ड्रेस है वो फातिमा का मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सा टॉप लिया था और काफ़ी अर्सा पहले एक्चुअली ये मैंने लिया था तो इसको तब पूरा नहीं था, इसको मैंने एक दफ़ा पहनाया था तो लूज़ था तो ये लास्ट समर में ही लिया था। तो अब मैंने कहा इसको सेकेंड डे में ये पहनाऊँगी, बहुत ही खूबसूरत टॉप है। साथ में इसके मैंने नेक्स्ट भी इसकी टाइट्स ऑर्डर की थी तो वो मैंने इसके साथ ये भी टाइट्स जो हैं इसकी मैच की हैं। और इसके साथ शूज़ इसके ऑलमोस्ट वो न्यू हैं, वो ये पहनेंगी। और थर्ड डे का मानो का ये बहुत ही प्यारा फ्रॉक है, ये देखें ये मानो का ड्रेस है थर्ड डे का। चलें जी बस है जी, हस्बैंड का जेट आउट का लिया था ड्रेस, अभी ये पाकिस्तान से लिया था, अभी बस मैंने अभी अनपैक किया है इन सब कपड़ों को, अब मैं बस मैं सारा ये क्लियर करती हूँ, साथ साथ हैंग करूँगी कपड़े प्रेस करूँगी, पहले मैंने कहा व्लॉग बना ले और फिर इंशाल्लाह इसको साथ साथ वाइंड अप करती हूँ और हैंग करती हूँ। तीनों दिन के कपड़े आज ही, मैं रात को बच्चे जब सोएंगे तो इंशाल्लाह मैं रेडी कर लूँगी। ये था आज का व्लॉग, इंशाल्लाह पहन के अगर बच्चे पहनेंगे तो ईद का व्लॉग बनाऊँगी और आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें, अल्लाह आप सबके घरों में खैर रखे, खुशियाँ लेके आए ढेर सारी। अल्लाह हाफिज़।